रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। हाँ भाई, तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ रहा था, पहले दे बताओ जल्दी। 3900 दोनों दोनों से आ गया था, ठीक है ना, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, चलो भाई जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखो भाई। भैया जो आपने क्लास भेजा था उसमें था क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं कह रहा बेटा मैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में करवाया था वो कौन सा क्वेश्चन था, 12th ही था, ठीक है। आप कौन सा कराना है, आप 12th कराना है, ठीक है। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाँ भाई लिखो, कैलकुलेट, इतना लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, ठीक है ना, बाय बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। लिखो भाई फर्स्ट आइटम, आइटम नंबर 1, पीएफसीई। बोलो भाई व्हाट इज पीएफसीई। वेरी गुड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। उसके बाद लिखो, सेकंड दे रखा हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन NDCF, ठीक है ना, कितना दे रखा है 200, ठीक है। क्या ये फिक्स दे रखा है, अगर फिक्स नहीं है तो क्या ऐड नहीं करेंगे। वेरी गुड, चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करना ऐसा होता है। वेरी वेरी गुड, उसके बाद लिखो प्रॉफिट्स के अंदर लिखो 400, प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 400, ठीक है। उसके बाद लिखो COE, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज COE। वेरी गुड, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800 दे रखा है बेटा। उसके बाद लिखना हमें दे रखा है रेंट हमें दे रखा है 250, कितना दे रखा है 250। उसके बाद सिक्स्थ आइटम पे आओ, सिक्स्थ आइटम दे रखा है हमें GFCE। ये GFCE क्या होता है, वेरी गुड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, ठीक है ना, ये दे रखा है बेटा हमें 500। उसके बाद आओ नेक्स्ट आइटम पे, सेवेंथ आइटम लिखो कंजम्पशन ऑफ, बताओ भाई कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ क्या होता है ये फिक्स्ड कैपिटल, करेक्ट, क्या ये डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी गुड डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद एट्थ आइटम पे आओ जल्दी से, एट्थ आइटम में मेरे साथ लिखो इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, इंटरेस्ट दे रखा है बेटा 150, कितना दे रखा है 150, ठीक है ना। उसके बाद नाइन्थ आइटम पे आओ, ठीक है, लिखो जरा, नाइन्थ आइटम हमें दे रखा है NFIA, व्हाट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गलत, नफिया, ठीक है, लिखो नफिया दे रखा है हमें माइनस का 10, कितना दे रखा है माइनस का 10। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बेटा, टेंथ आइटम दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक, जनरली नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू किसमें गिवन होती है, माइनस में, क्यों माइनस में क्यों होती है, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है ना, तो ये बेटा हमें दे रखा है माइनस का 20, कितना दे रखा है माइनस का 20, ठीक है। लास्ट आइटम लिख लो जल्दी से, लास्ट आइटम, ठीक है, उसके बाद सीधा मेरे को आंसर चाहिए। एनआईटी, बताओ भाई व्हाट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 80। ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2009 का, ये क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, ठीक है, क्या निकालना है, पहली बात ध्यान रखना कहीं नेशनल इनकम निकालने लग जाओ, एनएनपी एडएफसी नहीं निकालना, जीएनपी एडएफसी। देखे कौन कौन है, बच्चे तो सही दिख रहे हैं आज, मिस का आवाज आ रही है, हाँ जी भैया समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ठीक है। उसके बाद अनुराधा, अनुराधा बेटे समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है साफ, हाँ भैया,
ओके बेटा करो जल्दी जल्दी अनुभव 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 अरे बोली नहीं लड़का शर्मा रहा है जीवांश मेरे को बेटा आंसर दोनों से बताओ दोनों से टैली हो जाए ना तो ठीक है आपका आंसर ठीक है मेरे ख्याल से वैसे ठीक है एक सेकंड दिखा रहा हूँ ठीक है देव देव आवाज आ रही है गौरव चौधरी इशिका मिहिर मिष्टी यस सर ओके बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है जीवांश ने तो आंसर भी बता दिया इंटरेस्ट चैट आई रिद्धि का आंसर भी करेक्ट है बेटा रिद्धि ये दोनों से निकाला है आपने ये दोनों से निकाला है यार बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ बोलो तो अभी तो नहीं सर अभी एक से निकाला है बेटा दोनों से निकालो दोनों से अनुराधा का आंसर भी करेक्ट है बट आप दोनों मेथड से सॉल्व करो आपका टैली कर जाएगा और टैली करने के बाद आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है मिस्का का आंसर करेक्ट है बट मेरे को नहीं पता कि आपने दोनों मेथड से निकाला ही नहीं निकाला आपको दोनों मेथड से निकालना है ये हाँ भाई कराने जा रहा हूं मैं इतना टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी हो गया टैली वेरी गुड जीवांश विशाखा बेटा समझ में आ रहा है विशाखा आ रहा है भैया ओके बेटा अब किसका है मिष्टी मिष्टी दोनों से आंसर आया मिस्का का आंसर ठीक है अगर दोनों से आ गया वेरी गुड मिष्टी बेटा कौन से मेथड से आया ये सर एक्सपेंडिचर चलो जल्दी से इनकम करो इनकम फास्ट हाँ भैया मैं कराने जा रहा हूँ एक मेथड सर इनकम से मैच नहीं हो रहा मैच नहीं हुआ आओ चलो मैं कराता हूँ देखो भाई सामने सबसे पहले हम कौन से मेथड से करने जा रहे हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड से करने जा रहे हैं ठीक है ना तो जिस मेथड से भी करो सबसे पहले आप लिखो आप कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हो मैं एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने जा रहा हूँ आयुष सामने देखना मैं किस तरीके से क्वेश्चन करता हूँ समझ में आ गई बात ठीक है तभी हो पाएंगे क्वेश्चन वरना नहीं हो पाएंगे अब देखो भाई सबसे पहले मैं किसका साइन लगा रहा हूँ यहाँ पे जरा बताना इज इक्वल्स टू किसका साइन इज इक्वल्स टू का एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट आइटम क्या होता है जल्दी बताओ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरे को जल्दी जल्दी बताते रहना ठीक है कितना दे रखा है 1000 उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 500 उसके बाद ग्रॉस है या नेट है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना कितना है 200 फिक्स्ड है तो नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा वेरी गुड उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स बताओ दे रखा है क्या कितना दे रखा है माइनस का 20 ऐड करो जल्दी से कितना रहे ऐड करो कितना रहे जल्दी बताओ 1680 पक्का 1680 ये क्या निकल के आया बेटे जरा बताएंगे ये निकल के आया NDP at MP बट हमें क्या चाहिए जरा बताना क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट व्हाट GNP at FC आओ जरा इसके नीचे लिख देता हूं मैं हमें क्या निकालना है हमें निकालना है GNP at FC ठीक है अभी जरा देखो जब G से N पे जाते थे तो डेप्रिसिएशन क्या करते थे माइनस आज कहां से आना है N से G पे आना है तो क्या करूं मैं प्लस डेप्रिसिएशन कर दूं प्लस डेप्रिसिएशन बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 60 दे रखा है बताओ भाई 60 ऐड कर दें कितना आ गया 1740 उसके बाद बताओ भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करें ठीक है प्लस NFIA बताओ भाई डी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं प्लस NFIA बताओ दे रखा है क्या NFIA तो माइनस का 10 अब मुझे बताओ प्लस माइनस कितना आ गया 1730 है ना पी से पी पे जाने के लिए कुछ करेंगे क्या बट MP से FC पे आने के लिए करेंगे ना माइनस NIT दे रखा है क्या जरा बताओ कितना दे रखा है NIT 80 चलो माइनस करो कितना आ गया 1680
16650 ठीक है एंड दिस इज अवर आंसर. क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? सबका आंसर आ गया, एक्सपेंडिचर मेथड सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अब देखो मेरे को नहीं पता मेरा आंसर करेक्ट है या क्या है, मेरे को कब पता चलेगा? अब मैं इनकम मेथड से करूंगा, टैली कर गया तो मेरे को समझ में आ जाएगा. ठीक है, आओ भाई जरा इनकम मेथड की हेडिंग डालते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे इनकम मेथड, देखते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, काफी सारे क्वेश्चन करने हैं तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी. ठीक है, इनकम मेथड. अब सबसे पहले अगेन वो इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा मैं. ठीक है, बताओ भाई इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम कौन सी होती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. जरा रुक जाओ एक सेकेंड, ऐड कर लूं मैं स्टूडेंट्स को. हाँ भाई अब बताओ सबसे पहली आइटम कौन सी है, फर्स्ट आइटम कौन सी होती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही, ये बता दो. बैच हो रहा है तभी लाइट जाती है, वैसे पूरे दिन आती रहेगी. आवाज आ रही है बेटा? उसके बाद मुझे बताओ इसके अंदर प्लस करें क्या ऑपरेटिंग सरप्लस है, पहले ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है, आप चेक कर लीजिए आइटम दे रखा है, सबसे पहले बताओ रेंट दे रखा है कितना, 250 रेंट, उसके बाद इंटरेस्ट बताओ 150, रॉयल्टी बताओ, प्रॉफिट बताओ 400 दे रखा है, देखो प्रॉफिट इसके अंदर कितना, ये पूरा का पूरा क्या होता है बताओ भाई, आगे जाके तो होंगे और अभी तो आपका आ जाएगा तो आपका आ जाएगा.
आगे चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चल रहा हूं मैं। लिखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी गुड। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट इस बार सबकांड का रणनीति मुझे नहीं पता, और मैं आगे का अलग सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इस बार सबकांड का रणनीति पहले होता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहले तो मुझे तो व्हाट इज नेशनल, वेरी गुड, लिख दिया हूं मैं, अगर भूल गया तो साथ में लिख लेना एनएनपी एक्ट एफटी कैलकुलेटर, ठीक है ना, बाय पोस्ट मेथड, ठीक है, पोस्ट मेथड। अभी आपके लिए पोस्ट मेथड कौन सा है, तो वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कब का है, ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद रेंट, रेंट दे रखा है हमें 250, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएसटी हमें दे रखा है बेटा 600, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 1200, जैसे लिखो, उसके बाद फिर टाइटल दे रखा है प्रॉफिट, फिर टाइटल क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, देखिए बेटा तो 640, ठीक है, उसके बाद फिर आइटम देखो इधर का है COE, बताओ भाई व्हाट इज COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेरी गुड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इधर का बेटा लाओगे, ठीक है, उसके बाद सेवंथ आइटम क्या होगा, ठीक, लिखो नेट फैक्टर इनकम, इधर देखो टू अब्रॉड व्हाट ना आगे बस, ठीक है, ये हमें दे रखा है 30, ध्यान रखना बस, ठीक है, कितना दे रखा है 30, उसके बाद देखो एनआईटी, व्हाट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये दे रखा है 60, उसके बाद आइटम नंबर 9 लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है माइनस का 40, उसके बाद 10th आइटम पे आओ लिखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, एक लोग की आवाज नहीं आ रही, अभी आप लोग बोल रहे थे क्या, मेरे को नाम लिया आपके बारे में, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लास्ट लिखो 340, ठीक है, चलो स्टार्ट करो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। इसके वाले क्वेश्चन में गलती कहां करी थी? सर कैलकुलेशन मिस्टेक। जल्दी आंसर निकालिए, अब आंसर आ गया, क्या बात है,
हाँ जी भैया वेरी गुड जीवांश, आंसर करेक्ट है आपका दोनों में से। अब याद है क्या प्रॉब्लम आ रही है? अकेल जल्दी करो, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है यार। सबसे पहले कौन सा मैथड बताओ। ऑनलाइन में जाएंगे सर, इनकम मैथड की फर्स्ट आइटम बताओ क्या? ऑनलाइन
कंजम्पशन ऑफ सीओई सीओई अरे कंजम्पशन ऑफ इन कैपिटल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इधर है भाई कुछ तो देख लो कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन तो पॉइंट ठीक है ठीक है सीओई बोल दिया करो सीओई को सच जाओ ना बोलो कितना देर का सीओई 1000 उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या दे रखा होगा इसमें आइटम दे रखे होंगे रेंट बताओ रेंट वेरी गुड इंटरेस्ट बताओ वेरी गुड रॉयल्टी बताओ 150 नहीं है 640 640 पूरा क्या हो गया वो है ऑपरेटिंग सरप्लस उसके बाद लास्ट बताओ क्या रखते हैं एक दिन का दे रखे हैं तो ऐड करो कितना है 2040 इनकम मैटर से मिट्टी बेटा क्या निकल के आता है सर एनडीपी एट एफसी वेरी गुड क्या निकल के आता है एनडीपी एट एफसी शिल्पी बेटा भी निकालना क्या है शिल्पी एनएनपी एट एफसी वेरी वेरी गुड हमें निकालना बेटा एनएनपी एट एफसी ठीक है श्रेया श्रेया मुझे बताओ हमें क्या करना पड़ेगा के अलावा क्या करना पड़ेगा श्रेया कहने का टाइम रिधि रिधि यस सर अरे अरे मुझे बताओ क्वेश्चन रिपीट करना क्या करना पड़ेगा करनी है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही प्लस एन एफ आई माइनस एन एफ आई होगा माइनस टू अब्रॉड ठीक है भाई समझ में आ रही बात क्वेश्चन क्लियर है आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो बेटा ध्यान रखना इस सेशन 40 मिनट का होता है तीन बार अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेशन एंड हो जाए ना तो ग्रुप के अंदर फिर भेजनी है कि कर लिया सॉल्व ठीक है चलो भाई एनडीपीएस क्या होता है एनडीपीएस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट ये रखते हैं बेटा 800 ठीक है, उसके बाद देखो एट लाइन ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन social security scheme ठीक है 200 your line item for net exports, net exports net exports is a minus 50 ठीक है, उसके बाद टेन आइटम पे आओ लिखो NFIA, what is NFIA, net rental income from abroad माइनस का 30 ठीक है, उसके बाद उसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मिस्ट्री ये क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40, उसके बाद देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 ठीक है, उसके बाद NIT नेट आपके पास बोल रहे जल्दी देखते कौन निकाल रहा है 3 मिनट में कितना निकाल रहा है तो मैं ऐसे कोई ऐड नहीं लॉक कर वो वहां पे मैं जरा कल नेट एक्सेस में पूरा दो इसके तक टू दे रखा है तो माइनस एक बेटर क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व मिस्टर का आंसर गलत है पता नहीं चीजों का आंसर ठीक थे और मैं इसकी फेयर में माइक करता है तो एक और साथी फेयर आता है मिस्टर का जो आंसर है वो ठीक नहीं है अनुराधा का आंसर ठीक है बट अनुराधा से मेरे ख्याल से एक ही मिनट से निकाल है जीवांश का आंसर करेक्ट है वेरी गुड जीवांश कुणाल का आंसर गलत है रेडी का आंसर ठीक है मिस्टी का आंसर भी ठीक है वेरी गुड लेट देना मैंने कह रहा है टेस्ट क्लास एंड ऑफ द बेटर डे बट आप मेरे को सॉल्यूशन जोड़ कर सेंड करोगे ठीक है तो मेरे को भी मेल आईडी सेंड कर देना आपको आज ही क्लास ये सब को मेल कर दूंगा सर सेम आ रहा 5120 दोनों का वेरी गुड दोनों मेथड से वेरी वेरी सुनो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी क्लास दिए अभी अभी ग्रुप से जाके मेरा ये डाल देना अभी सेंड करो मेल कर दिया वेरी गुड अनुराधा आप लोग 5:20 से 8:00
विशाखा आंसर करेक्ट आंसर आएगा। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है, धीरे धीरे आंसर आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है, तो प्रैक्टिस करते करते आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नया नया आएगा, बता